बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर को लेकर एक बयान दिया। बयान को लेकर बवाल मच गया है। हर जगह उनके शब्दों के चयन को लेकर निंदा होने लगी। विपक्ष खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बुधवार को मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य पर दुख भी प्रकट किया। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात और कोई एकाध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं और जो मेरे निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। बुधवार को बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर तख्ती हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने खुद की निंदा करते हुए कहा कि अपने बयान पर न केवल शर्मिंदा हूं बल्कि इस बयान पर दुख व्यक्त करता हूं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह से अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी बचाव किया है। ये लोग सब बेचारे हैं, इनके अपने बस में अपनी बात अपना एक्शन नहीं है। अगर अपनी बात अपनी सोच अपनी समझदारी होती तो सब कुछ कल होता। आज अगर हो रहा है तो इसका मतलब जिसको स्ट्रिंग पुलिंग कहते हैं कहीं और से धागा खींचा जा रहा है। बात नहीं, उसको गलत ढंग से लोग पेश कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, उनका उनका जो सरकार ये महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने किया है काम किया है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। और ये बीजेपी का काम ही है हंगामा खड़ा करना, और हंगामा खड़ा करना था तो माननीय मुख्यमंत्री सदन में थे और महिला विधायिका लोग भी थी, विधायक लोग भी थे, सदन के नेता प्रतिपक्ष थे, सबको प्रतिकार करना चाहिए। सब लोग तो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, तो उसको कैसे बुरा करें। सीएम नीतीश के खुद की निंदा और दुख व्यक्त करने के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम को 12 घंटे बाद ये एहसास हुआ कि वो क्या बोल गए। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में अपने वक्तव्य में सुधार करते हुए सफाई दी कि उनकी सरकार में बच्चियों के पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया, इसी कारण बिहार में प्रजनन दर में लगातार गिरावट आई है। लेकिन कहते हैं ना कि धनुष से तीर और जुबान से शब्द अगर निकल जाएं तो उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस बयान पर और तल्ख बयानबाजी होनी तय है।